नमस्कार सर, इस समय हम यहाँ जंतर मंतर पर खड़े हैं और हम बात करेंगे डॉक्टर शिवनारायण गौतम जी हैं जो आगरा क्षेत्र से हैं और हमारे ही क्षेत्र से हैं। तो मैं सर आज आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आज जो प्रदर्शन हुआ या चंद्रशेखर आज़ाद आए, काफ़ी भीड़ थी, आप भी आए, तो इस विषय में ये जो आज देश के अंदर चल रहा है उसमें बताएंगे क्या चल रहा है। मैं सरकार और न्यायपालिका दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि देश में बढ़ रही अराजकता और असहिष्णुता और सरकार और जनता के बीच संवादहीनता में एक टूल की तरह अपना उपयोग करना न्यायपालिका बंद करे, अपनी ब्राह्मणवादी सोच और ब्राह्मणत्व को स्थापित करने का जो प्रयत्न भारत सरकार कर रही है आरएसएस के साथ मिलकर, न्यायपालिका उसका अंग बनना बंद कर दे। न्यायपालिका को अच्छी तरह पता है कि इस देश में आरक्षण क्यों लागू किया गया। आरक्षण किसी मजबूरी के कारण किया गया, जिस देश में धन और धरती, सुरक्षा और शिक्षा सब कुछ जिन लोगों से छीन लिया गया था, उन लोगों को सरकार की ये जिम्मेदारी थी मानवता के आधार पर कि उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न किया जाए जिससे वो बराबरी पर आ सकें, और वो प्रोविज़न था आरक्षण का। और भारत सरकार की न्यायपालिका, सरकार ने अगर कभी प्रयत्न भी किया है तो न्यायपालिका ने हर समय अड़ंगा डाला है। और अड़ंगा क्यों डाला जाता रहा, क्योंकि ज़्यादातर न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये घृणा के शब्द मुझे कहने पड़े, लेकिन आज इस स्तर पर आ गया है ब्राह्मण कि देश को बर्बाद करने में अपनी ब्राह्मणवादी सोच, अपने अंधविश्वास, अपने पाखंड भारत के संविधान को भी डुबा देना चाहता है। इसलिए मैं आगाह करता हूँ सरकार को, न्यायपालिका को भी, कि न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे। संसार इस बात के लिए देखता है, सब कोई आजकल जानना चाहता है कि इन न्यायाधीशों ने क्या सोच करके आरक्षण के ऊपर अपना कुल्हाड़ी बरसाई। उस समय पहले अनटचेबिलिटी एक्ट पर किया जिससे पोलराइजेशन वोट का हुआ, और 19 में जो सरकार को फायदा मिला, न्यायपालिका स्वयं उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें आरएसएस की मानसिकता के न्यायाधीश थे, उन्हें पारितोषिक दिया गया। ये पारितोषिक न्यायाधीशों को लेना बंद कर देना चाहिए, उन्हें न्याय की तरफ ध्यान देना चाहिए। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसके लिए न्यायपालिका जिम्मेदार न बने। देश में नेता वैसे ही बर्बाद करने को क्या कम बैठे हुए हैं जो यहाँ आकर के आप 250-300 लोगों द्वारा जिस संविधान को बनाया गया, 2 या 4 न्यायाधीश बैठ करके उस पर समीक्षा करेंगे और उसको बर्बाद कर देंगे? ये ऐसा होने नहीं देंगे। देश में इन दोनों न्यायाधीशों के विरोध में मैं मांग करता हूँ कि इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए और इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।